गूंगे बोलते हैं और बहरे सुनते हैं, अगर कोई चार पाई पर पी है तो वो खड़ा हो जाएगा। और बताओ, मैंने कहा अगर कोई चार पाई पर भी है वो भी खड़ा हो जाएगा। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है। लिखा प्रतिज्ञा किस पर आधारित है? जो प्रतिज्ञा की है। बोलो क्या है? जैसे अब्राहम से परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी ना। लिखा जो, अगर गलातियों में देखो एक वचन में और आपको पढ़ाता हूं ताकि इस प्रतिज्ञा की बात को आप अच्छे से समझ आओ। नहीं, आप यहीं पे रहो, मैं खुद पढ़ देता हूं। जैसे गलातियों, हाँ, 4:28 में लिखा, हे भाइयों हमें इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान। बोलो क्या है? किसके समान? हे भाइयों हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा के संतान। देखो, क्योंकि इसहाक परमेश्वर की प्रतिज्ञा का वंश था जो अब्राहम से पैदा हुआ। लिखा हे भाइयों हम इसहाक ही से प्रतिज्ञा की संतान है जो परमेश्वर ने अब्राहम से की। समझ आ रही है? प्रतिज्ञा समझना, वादा। समझ आ रही है? बहुत में अनमोल चीज दे रहा हूं, ये सोने चांदी से भी, हीरो से भी क्या है जो आज खुदा आपको दे रहा है। कितनों का समझ आ रही है? फिर से अपनी आंखें बंद करो, बोलो परमेश्वर जो जैसे मैंने पहले सीखा, जो मैं अब सीखने वाली हूं इस वचन को, मुझे समझ दे, मुझे समझ दे, मुझे समझ दे परमेश्वर, मुझे समझ दे, मुझे समझ दे, ताकि मैं इस वचन को समझकर अपने जीवन में पूरा कर सकूं। क्योंकि मैं तेरा वचन बताता है, भाइयों में इसहाक के समान प्रतिज्ञा के संतान है। परमेश्वर मुझे समझ दे, मुझे समझ दे, क्योंकि तूने मुझे अंधकार में से अपनी ज्योति में बुलाया इस बात के लिए। मुझे समझ दे, मुझे समझ दे परमेश्वर, मुझे समझ दे, मुझे समझ दे, कि जो वचन जैसे मैंने पहले सीखा, जो अब सीखने वाली हूं, खुदा मेरी बुद्धि और समझ में आई, मेरी बुद्धि और समझ में आई, और मैं 100 गुना फल लेकर आऊं। आमीन, आमीन। तो मैं चीज बता रहा हूं ना, इसी वचन से और इसी विश्वास से अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं और बहरे सुनते हैं। अगर कोई चार पाई पर पी है तो वो खड़ा हो जाएगा। और बताओ, मैंने कहा अगर कोई चार पाई पर भी है वो भी खड़ा हो जाएगा। क्योंकि जिस परमेश्वर ने इस काश और पृथ्वी को बनाया ना, कितना बड़ा काश है। हा? हमने ये टेंट लगाया है, देखो कितनी व्यवस्था की, कैसे इसे बांधा है, तब जाकर ये, हाँ, तो उसने हवा में रखा है। इस काश को कैसे रखा? हवा में। इसके नीचे कोई थंब पिलर नहीं है। किसकी सामर्थ से और वो कौन है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जिसका हम वचन पढ़ रहे हैं, मैं उस परमेश्वर की बात कर रहा हूं। आमीन, हालेलुया। पढ़ो। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो। हाँ, अनुग्रह की रीति पर हो। जो अनुग्रह हुआ, बोलो क्या है? शुरू में पाप हुआ आदम और हवा के द्वारा, जो इस पृथ्वी पर पहला मनुष्य और पहली औरत थी। हाँ, जो दोनों क्या थे? पवित्र थे। हम तो माता पिता से जन्मे ना पाप से, और पापी से सब प्रॉब्लम है, दुख है, हालात है। बोलो क्या है? पापी से सब प्रॉब्लम है, दुख है, हालात है, क्योंकि हम माता पिता से जन्मे। जो पहला मनुष्य और पहली औरत थी वो किसी इंसान से नहीं, हाँ, किसी मनुष्य से पैदा नहीं हुए। पहला मनुष्य परमेश्वर ने सबको पता किसका बनाया, किस चीज का बनाया था? कितनों का पता? सबको नहीं पता। पहला मनुष्य परमेश्वर ने किस चीज का बनाया था? नहीं पता। आपको नहीं पता है? कई लोगों को कैसी आदत होती है, जो मेन चीज है, हाँ, एक वो कहावत है ना, बेर खाओ गिटका ना गुरो। हाँ,
जो असली चीज है उसको लेते नहीं है, तो जो फोकट की चीजें हैं। मैं तो ये जो संसार की चीजें हैं ना, खुदा के सामने कुछ भी नहीं, जिसके लिए संसार दौड़ रहा है, कुछ भी नहीं। बोलो क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आमीन। बोलो क्या है? और अगर किसी को ये नहीं पता कि पाप कहां से आया, क्योंकि सब प्रॉब्लम कहां से है? अब हर एक टेस्टामनी सुनते हो, गवाहियां सुनते हो, उसका कारण यही तो है पाप, क्योंकि पाप हमारे ब्लड में, और जीसस ने अपना पवित्र ब्लड देकर, क्योंकि जीसस किसी मनुष्य के माता पिता की इच्छा से नहीं ना पैदा हुआ, किसी नहीं, वो पवित्र पैदा हुआ, इसलिए उसने पवित्र अपने खून का बलिदान देकर सब जातियों के लिए सबको उधार दिया, मुक्ति दी, मोक्ष दिया। ये सत्य है, ये सच्चाई है जो वचन कह रहा है कि आपका विश्वास किस पर हो, किस पर हो? प्रतिज्ञा की हुई बात के विश्वास पर आधारित हो। हमें आगे पढ़ो कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, सब वंशों के लिए जो उसके बुलाए हुए हैं, क्या हो? ये बात दृढ़ हो, मजबूत हो, और ना के केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। हाँ। वही तो हम सबका पिता है, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुओं को जिलाता है, और जो बातें हैं ही नहीं, उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। आमीन। आमीन। विश्वास में दृढ़ होकर किसकी महिमा की? कितनों को समझ आए? कितनों को समझ आए? लिखा उन बातों का नाम अब्राहम ऐसे लेने लगा जैसे वो है। बोलो क्या है? जैसे मान लो कोई बंदा बीमार है, उसके रसौली है, पत्थरी है, गिल्टी है, हाँ, उसे ब्रेन ट्यूमर है, रीढ़ की हड्डी के मन के कुछ, मैंने कहा दुनिया भर की जितनी भी प्रॉब्लम है, बोलो क्या है, दुनिया भर के जितने भी हालात हैं, अगर उसको ऐसे विश्वास है अब्राहम के जैसे, बोलो क्या है? लिखा अब्राहम ऐसे विश्वास करने लगा जैसे मानो है, क्योंकि उसके बच्चा नहीं था, उसकी उम्र कितने साल की होगी? हाँ, जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की तो कितने वर्ष का था? 75। बोलो क्या था? चाहे लिखा वो 99, किसके 99 वर्ष का हो गया, 99, तो भी उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया। क्या नहीं किया? संदेह, शक नहीं किया। कितनों को समझ आ रही है? जो तुरंत हाथ खड़ा करते ना, मुझे पता चलता वो सुन रहे हैं, जो ऐसे ही रहता है डीले सुन करते रहो सब, मुझे क्या है? और आ जाएंगे बहुत सारे लोग, देखना फिर उनकी आशीष को, उनकी गवाहियों को देखना, बैठे रहना फिर। परमेश्वर आपको सोने चांदी से भी ज्यादा, हीरों से भी ज्यादा कीमती चीजें दे रहा, समझ आ रही है? तो लिखा उसने उन बातों का नाम ऐसे लेने लगा मानो जैसे है नहीं बच्चा, पर वैसे विश्वास कर रहा था। आपको पता वो तारे गिनता था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम्हारे वंश से मैं बहुत सी जातियों को बनाऊंगा, तो वो तारे गिनता था, समुद्र किनारे जाता, रेत को पकड़ता हाथ में, ऐसे छोड़ता था, रेत के किनकों को गिनता था, ऐसे वंश होगा। कैसे होगा मेरा वंश? ऐसे होगा। कैसे होगा मेरा वंश? ऐसे होगा। लिखा उन बातों का नाम ऐसे लगा जो मानो जैसे है, जैसे उसके पास है, करके देखो। क्या देखो? ऐसे विश्वास करके देखो। आपको जो चाहिए अविश्वास करो, मेरे पास है। घर चाहिए, बेबी चाहिए, बिजनेस चाहिए, जॉब चाहिए, वीजा चाहिए, मैं कहता हूं
बस विश्वास करो मेरे पास है। मैंने कहा विश्वास करो मेरे पास है, क्योंकि वचन बताता मेरा प्रैक्टिकल है इन चीजों पर, मेरा खुद का प्रैक्टिकल है। मैं दुनिया भर की सब चीजों का कह लो मैं एक नमूना हूं, प्रोडक्ट हूं। अगर कोई नशे की बात कहो, बिजनेस की कहो, हाँ बीमारियों की कहो, कुछ भी दुनिया भर की चीजें लेकर आ जाओ, अगर धार्मिकता की बात भी कहो कि मैंने बहुत भक्ति की, तो ये बंदा हाजिर है। हर चीज में ये हाजिर है बंदा, हर चीज में हमें